ओम नमः शिवाय चिल्ड्रन, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो तो वेरी गुड। देखो, आज मैं फिर से तुम लोग को एक और श्लोक सिखाने वाली हूँ। पेरेंट्स, एक बार देख लीजिए, ईवीएस पिक्चर बुक चैप्टर नंबर 2, टॉपिक माय डे, पेज नंबर 5, श्लोका नंबर 3। फिर से एक बार बोल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए वो श्लोक, ईवीएस पिक्चर बुक चैप्टर नंबर 2, टॉपिक माय डे, पेज नंबर 5, श्लोका नंबर 3। ये पढ़ने के पहले हम लोग ने दो और श्लोक सीखे, वो है कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम। ठीक है, बेड के ऊपर उठ के बैठोगे, दोनों पाम्स अपने आंखों के सामने लाओगे और ये श्लोक बोलोगे। दूसरा है, उठने के बाद हम लोग धरती माँ को प्रणाम करते हुए दूसरा वाला श्लोक सीखे, वो है समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। आज हम लोग सीखेंगे तीसरा वाला श्लोक, वो है नहाते टाइम हम लोग को बोलना है। पहले श्लोक सीखो, बोलना सीखो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन सान्निध्यम कुरु। फिर से एक बार बोलो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन सान्निध्यम कुरु। इसका क्या मतलब है? हम लोग नहाते किससे है बेटा? पानी लेके नहाते हैं ना, तो उस पानी में ये सब जो है नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये सब नदियों के नाम है और ये सब नदी है। नदी क्या होती है? हम लोग को शुद्ध करती है, पवित्र करती है। तो ये सब नदियां हम लोग को भगवान के समान है, देवी के समान है, इसलिए उनको हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग इस पानी में उपस्थित रहकर, मतलब उसमें आ जाइए, मैं उनको तुम लोग को प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूं। ठीक है, मतलब क्या ये क्या है? उदिधर गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड दीज रिवर्स आर जस्ट लाइक अवर देवी माँ। तो वी शुड प्रे देम एंड वी विल प्रे देम दैट प्लीज बी प्रेजेंट इन दिस वाटर एंड मेक मी होली। ओके, समझ में आया? ओम नमः शिवाय।